रायबरेली के लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कहीं ना कहीं कोरोना काल में वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने अपने दुख की जो व्यथा है रायबरेली की डीएम शुभ्रा सक्सेना के कार्यालय पहुंचकर बताई। कर्मचारियों ने बताया कि किस प्रकार से उनको वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन मांगने पर उनको उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ इन शब्दों से भी नवाजा जा रहा है। आइए क्या आरोप लगाया गया और किन बातों को लेकर कर्मचारी नाराज दिखे वो बात आपको सुनाते हैं। क्या मामला है तुम्हारा? मामला ये है कि हम लोग किंग सिक्योरिटी सर्विसेज पे जो है काम कर रहे थे रेल कोच फैक्ट्री में, ठीक है। हम लोगों को जो है हम लोगों के अकाउंट पे 13,500 रुपये सैलरी आ रही थी, 9,500 देने के बाद जो है वो पैसा वापस लिया जाता था। वो पैसा वापस न करने पे ऊपरी जोर दबाव दिया जाता था हम लोगों को, और जिन लोगों ने पैसा वापस नहीं किया है उन लोगों को जो है ट्रांसफ़र कर दिया या निकाल दिया गया है। हम लोगों को ट्रांसफ़र लेटर मिला था, उस पर एक नंबर दिया हुआ था जिस नंबर पर हम लोगों ने बात की थी, उस नंबर पे यह हुआ कि यहाँ पे कोई वैकेंसी है ही नहीं, जिसपे कि कंपनी के HR दिनेश यादव जी से मेरी बात हुई, मैंने खुद पर्सनली बात की थी, तो उन्होंने कहा हुआ कि ट्रांसफ़र हो चुका है आप लोगों का, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो आज कहाँ आए थे? आज मैं यहाँ पे जिला अधिकारी सर के पास आया हुआ था। क्या कहा? उनको भी मैंने एक लेटर दिया हुआ इस मामले में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक लेटर मैंने भेजा हुआ है पत्र के माध्यम से, और रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी मैंने पत्र भेजा हुआ है, और कंपनी के HR संतोष सिंह का कहने का ये है कि अगर आप लोगों ने पत्र नरेंद्र मोदी जी को या पीयूष गोयल जी को दिया हुआ है तो आप सैलरी भी जो है उन्हीं से ले लीजिएगा और नौकरी भी आप उन्हीं से बचा लीजिएगा। अच्छा, तो अगर मांगे पूरी ना हुई तो क्या करोगे? मांगे पूरी ना हुई तो हम लोग जो है वहाँ पर रेल कोच में हड़ताल में बैठेंगे और इसका विरोध हम लोग जो है जोर दबाव से करेंगे जितना हम लोगों को छूट सकता है। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।